ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं स्पेस शटल। ये स्पेस शटल का एक मॉडल है जिसे आप एग्जिबिट्स भी कह सकते हैं। ये स्पेस शटल अर्थ पे जैसे हम व्हीकल्स यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसी तरह स्पेस में जाने के लिए इस तरह के सैटेलाइट की का यूज किया जाता है। ये जो आप फ्रंट में देख रहे हैं एरोप्लेन की तरह, इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं। और ये जो पीछे है ये बाकी पार्ट्स हैं इसके। अब मैं इसको आपके इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये हैं इसके डेल्टा विंग्स, इसको डेल्टा विंग्स कहते हैं। इसको कहते हैं OMS इंजन। ये होता है आपका मेन इंजन। मेन इंजन में ही सबसे ज़्यादा थ्रस्ट पैदा होती है। ये है क्रू एक्सिस हैच। ये है RCS थ्रस्टर। ऊपर है सेफ्टी हैच। यहाँ पर रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। और ये है कार्गो। ये जो पोर्शन है ये खुल जाता है और इसके अंदर जो भी हम कार्गोज वगैरह लेकर जाते हैं, सामान लेकर जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके थ्रू हबल टेलीस्कोप को भी लॉन्च किया गया था और हबल टेलीस्कोप की मेंटेनेंस भी क्लासेस जो बदले थे इसके अंदर ले जाकर रोबोटिक आर्म के थ्रू चेंज किया गया था मैनुअली। ओके, अब ये होता है, ये है एलिवेशन फ्लैप और ये है एयर ब्रेक। जब ये अर्थ पे वापस आता है तो ये ओपन हो जाता है और इसके अंदर से पैराशूट निकलता है, क्योंकि सिर्फ मैकेनिकल ब्रेक काम नहीं आती, पैराशूट भी एक तरह से ब्रेक का ही काम करता है। पैराशूट खुलता है और ब्रेक लगाई जाती है। और ये है एक्सटर्नल फ्यूल टैंक जो कि इसके वेलोसिटी इसको देते हैं। ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर है स्टार्टिंग के लिए। ये है नीचे बूस्टर नोजल्स सॉलिड रॉकेट बूस्टर के, इसको कहते हैं। ये जो है लॉन्चिंग पैड और ये आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स इसके। अब तक का ये सबसे एडवांस स्पेस शटल है। इससे पहले आपने देखा होगा अपोलो 11 मिशन में सैटर्न 5 रॉकेट में ही सब कुछ होता था, अब ये अलग अलग कर दिया है। इसके अंदर कल्पना चावला डिस्कवरी में गई थी जो कि क्रैश हो गया, फिर सुनीता विलियम्स इसी में आती जाती है, बाकी एस्ट्रोनॉट भी इसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आते जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये कैसे अटैच होता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये आसपास जो दिख रहा है ये है सोलर पैनल्स। जी आप देख रहे हैं कि वही स्पेस शटल यहाँ पर आकर इसकी डॉकिंग होती है, डॉकिंग करते हैं अटैच होने को, जुड़ने को। इस वजह से टोटल 18 कंट्रियाँ मिलकर चला रही हैं, जापान, रशिया, अमेरिका, लेकिन इसके अंदर इंडिया का कोई रोल नहीं है अभी तक। ओके, सो थैंक यू।